साल के फ्रेंड्स, लास्ट रिटर्न में देखा था, हेड टेबल हम देख रहे थे, उसमें हाफ वो था कि हेडिंग पर हम देख रहे थे, तो हेडिंग में मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मैं आपको डिटेल समझा देती हूँ, अब वो क्लियर कर देती हूँ। जो ये देखें, जो हम करेंगे ना, ये तुम्हारी, ये हमारी होगी रो वाइज हेडिंग। अगर हमें कॉलम वाइज हेडिंग करनी है तो उसके लिए हम अलग सेक्शन बनाएंगे, एक टी आर का सेक्शन बनाएंगे, उसमें जस्ट हेडिंग होगी। फर्स्ट हेडिंग हम पेज छोड़ देंगे अगर हम हेडिंग नहीं देने तो, और सेकंड पे हम कॉल लिखेंगे। ये देखें, कॉल स्कोप कॉल, और सैटरडे स्कोप कॉल संडे। ये देखें, ये आ गया, और ये स्टार्ट जब हमने खाली जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए ये इसके ऊपर आ गया। करके दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे अलग सेक्शन लेंगे टी आर, और उसके अंदर हम लेंगे टी एच, ये होगा हेडिंग, इसे हम खाली छोड़ देंगे, फिर टी एच, और एक और हम ले लेते हैं टी एच, टी एच, ये चार हो गए। हम यहाँ पे देते हैं, हम खाली कोई भी छोड़ते हैं, हम रखते हैं यहाँ पे ए डी यहाँ पे आ जाएगा बी, और नीचे आ जाएगा सी, और उससे नीचे आ जाएगा डी, और हम जो ये वाले पहले वाले हैं हमसे ख़त्म कर देते हैं ताकि वो मिक्स ना हो जाए। हम सेव करते हैं और अब देखते हैं ब्राउज़र में जाओ। ये देखें, अब सही हो गया, ये वापस आ गया है। ऊपर का कॉलम हमने हेडिंग देनी हो इसकी ए बी सी डी, तो उसका अलग सेक्शन बनाएंगे हेडिंग का। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेनिंग कॉलम्स। अगर हमने दो कॉलम्स को, तीन को, चार को, जितने भी कॉलम को एक बनाना हो, मर्ज करना हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पेन, कॉल स्पैन, रो स्पैन। ये देखें, कॉल स्पैन टू, जियोग्राफी वाला। ये देखें, इन्होंने ये दो कॉलम को मिक्स किया हुआ, एक ही बनाया हुआ है, उसके लिए आ गया कॉल स्पैन। अगर हमने ये देखें, आगे वाला जिम वाला देखें, जिम वाला ये लिखा हुआ है कॉल स्पैन थ्री, हमने ये टी डी में लगाएंगे। ये देखें आ गया, ये थ्री कॉलम को इन्होंने मर्ज किया हुआ है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं कॉल स्पैन टू, इसे हम सेव कर लेते हैं। ये देखें, ये दो कॉलम्स इकट्ठे हो गए हैं और ये आगे चला गया, क्योंकि ये इन्होंने इस टू वाले ने दो कॉलम की जगह घेर ली है। अगर हमने दो कॉलम इससे बनाने हो तो हमें ये रिमूव करना पड़ता है। हम ये ख़त्म कर देते हैं ताकि तरतीब सही रहे हमारी सीक्वेंस। ये देखें, अब सीक्वेंस हो गया, टू ने दो कॉलम की जगह घेर ली है, ये मर्ज हो गया है। यहाँ पे हमने बॉर्डर वगैरह नहीं दिया हुआ, इसलिए पता चल रहा है, हम बॉर्डर कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमने रो करना हो, और अगर हमने कोई भी बॉक्स, कोई भी टेबल में से कोई भी बॉक्स हमें खाली छोड़ना हो, तो उसके लिए हम टी डी या टी एच कुछ भी लिख के, जिस तरह ये देखें टी एच दिया हुआ है, टैग दिया हुआ है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डाटा नहीं दिया हुआ, तो वो हमें यहाँ पर भी खाली ही शो होगा। जस्ट स्पेनिंग रोज, पहले कॉलम था स्पेन, अब है स्पेनिंग रोज, ये भी सेम वैसे ही है, बस जस्ट वो कॉलम के था और ये है रोज के लिए। यहाँ बन देंगे रोज स्पेन टू, ये देखें दो रोज स्पेन हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं।
नेक्स्ट है लॉन्ग टेबल। अगर हमें लॉन्ग टेबल बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन कौन से सेक्शन लेना होगा? पहले हमें लेना होगा टी एच, टी हेडिंग, टी बॉडी और टी फुट, मतलब हेडर, बॉडी और फुटर, ताकि हमें इजी हो, याद रहे और हमें भूल ना जाए, सीक्वेंस हमारी सही रहेगी। टेबल सेक्शन पहले क्रिएट कर लिए, फिर टी हेड, हमने ये हेडिंग सेक्शन ले लिया है, डेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नीचे मैं दिखा देती हूँ आपको आउटपुट भी इसकी, देखें डेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये हो गया हेडिंग सेक्शन। ये क्लोज, खत्म हो गया ट्रेडिंग। आगे हम लेंगे टी बॉडी, ये अगर बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन में क्या है, उसमें भी हमने वो रो क्रिएट की हुई, जो टेबल टेबल डेट दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है, 1 जनवरी, ये सब कुछ दिया हुआ है, जितनी मर्जी हमने रो क्रिएट करनी हो वो हम कर लेंगे, ये एडिशनल रो ज़्यादा बाबरी खा, जितनी हम मर्जी हम रो अब ऐड कर सकते हैं। नीचे क्या है, टी फूट, फूटर ऐड किया हुआ है, फूटर में देखिए उन्होंने हेड टी डी डाटा प्लस खाली छोड़ा हुआ है, फिर हम उन्होंने ये नीचे दिया हुआ है, देखिए उन्होंने ये रोज़ ऐड किए हैं, ये सारा है टी बॉडी। ये नीचे वाले जो रहता है ये है फूटर, फूटर में उन्होंने जो डाटा एंट्री किया था वो यहाँ पे शो हुआ है। ये सिंपल है, जस्ट अगर ये ओल्ड, इसमें देखेंगे हम ओल्ड कॉल्ड विद स्पेसिंग, विथ एंड स्पेसिंग, देखिए उन्होंने बताया हुआ है टेबल सेक्शन के अंदर हम उसकी विथ ले लेंगे, विथ कितनी जितनी हम लेना चाहें, 400, 400 मीन इसके साथ में कुछ भी लगाया हुआ, मतलब कोई एक्सटेंशन वगैरह दी हुई तो वो होगा परसेंटेज में काउंट होगा, 400% हो जाएगी टेबल में हम देंगे हमेशा, अगर हमें फुल टेबल की करनी होगी, विड्थ देनी होगी। और आगे सेल पैडिंग, पैडिंग हमें कितनी देनी है, सेल स्पेसिंग, हमें स्पेस कितनी देनी है उसकी। नेक्स्ट है अगर हमने टी एच हेडिंग, हेडिंग सेक्शन जो हेडिंग टेबल है, जो हेडिंग बॉक्स है, उसको हमने कितनी विड्थ देनी है, तो वो आ जाएगा, उन्होंने कितनी विड्थ ली हुई है, 150। अगर हम जिसकी भी हमने विड्थ चेंज करनी होगी, कम करनी होगी, ज़्यादा हो करनी होगी, अगर हमने हेडिंग की करनी है, टेबल डाटा की करनी है, किसकी करनी है, तो उसी सेक्शन के अंदर हम विड्थ का टैग लगा देंगे, और उसके हमें आगे उसके परसेंटेज के हिसाब से उसके लिख देंगे अब कितनी हमने हेडिंग देनी है, और सेल पे हेडिंग, सेल स्पेसिंग भी हम लगा देंगे। ये देखिए इन्होंने चेंज किया हुआ है, बॉक्स बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, मतलब इन्होंने इनकी विड्थ काफ़ी बड़ी की हुई है। आगे है ऑन कोड बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, ये भी सिंपल है, टेबल्स को हमने अगर हमें बॉर्डर देना हो या फिर बैकग्राउंड कलर देना हो तो टेबल्स के अंदर लिख देंगे बॉर्डर, बॉर्डर क्या है, 2 2 पिक्सल, 2%। जैसे ये हमने टेबल सेक्शन दिया है, यहाँ पे हम लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर हम 2 सेव करते हैं, सेव, और ब्राउजर में जाकर देखते हैं हम, ये देखें टेबल का बॉर्डर आ गया। अगर हमने इसे विड्थ देनी हो, फुल टेबल को विड्थ, विड्थ हम दे देते हैं 300, और इसे सेव कर लेते हैं। देखें देखें स्पेस, देखें कि साइज बड़ा हो गया। अगर मैं कम कर दिखा देती हूँ, आप एक्स कम कर देते हैं 200, देखें सही, देखा अब सही लग रहा है। इसी तरह हम इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना हम रखने रखना हो उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉल्स पेन, रोज पेन सही शो होता है, अगर हमने बॉक्सेस का दिया हो हमने, यानी जैसे बी और सी की वैल्यू दोनों की 2 हो, तो हम ये लिख देंगे उसको हम रोज पेन कर देंगे। बॉर्डर के इसमें जाके अब दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी जी कलर, Oh,